मैं कुछ बातें पहले अपने बच्चों से करना चाहूंगा जो मेरे सामने बैठे हैं।
हमें तो बहुत किया।
जहां तक मेरा अपना नजरिया है, आप गौर फरमाएं तो पूरा होगा तौहीद इलाही के साथ शुरू होता है और अंजाम में सारी बातें कहते कहते हालांकि नाम रुबा कदर है मगर और गौर से पढ़िए होगा तो ऐसा लगता है कि शहजादी बयान करना
तीन बातें थी जिसे शैतानी ने चुन करके एक मरतबा प्रो करके आपके सामने भेज दी, मरतब करके आपके सामने पेश किया है। ये ख्याल है इस आलम में कहा है या टूटी हुई है, सबसे बाप का साया उठ चुका है, घर का दरवाजा जल चुका है और उसके साथ साथ ये बच्चा उसी शहीद हो चुका है। ऐसे आलम की शैतानी दरबार में खड़ी है और उसके बाद ईमान को बहुत तवज्जो, मैं नहीं कह रही हूं
मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, अल्लाह का काम था, उसने ईमान भी ऐसा रखा, अगर ईमान की दौलत मिल जाएगी तो शिर्क की नजासत से पाक हो जाओगे। जब दिल में उतर जाएगा तब शिर्क
या इसे भी दिल में उतर जाना चाहिए। और तवज्जो, क्या इसका फकत ज़बानी इकरार काफी है या इमामत भी दिल में उतर जानी चाहिए? याद रखे, ईमान तभी बनेगा जब दिल में उतर जाए। इसलिए मैं बड़े अदब से अपने कौम के हजमान से कहना चाहूंगा, जिस तरह से वहदहू ला शरीक की वहदानियत हमने दिलों में उतार ली है, तो ये सैयदुल अंबिया की नबूवत दिलों में उतार ली है, वैसे ही सैयदुल औलिया हमारे अली की इमामत भी अपने दिलों में उतार लो, ज़बानों पर महमूद न रखो। वरना ईमान में कमजोरी रही तो रास्ता भटक जाने के चांसेस ज्यादा है। अदा नहीं हो सकती, वैसे वह छोड़ा जाए।
की वाजिब होती है, वक्त महदूद में जो वाजिब होती है उनके रिजा की वक्त खत्म हो गया, अदा हो गई, बात कर तो चीज वक्त महदूद में नहीं होती, इसलिए बहुत वक्त होता है वहां अदा का तसव्वुर ही नहीं आता, तो जबरदस्ती वहां अदा अदा से मिला करके नमाज की महदूद का करने कोशिश की पहले जब वहां कामयाब ना हो सके, बल्कि यूं कह दूं जब नमाज के मसले में अइमा मासूमीन के तेवर दिखाई दिए तो छठे इमाम ने साफ लफ्जों में कह दिया ला तनालो शफाअतना मिन तअख्खुर सलात, उसे हमारी शफाअत नहीं मिलेगी नमाज को हल्का समझता हो, और आम ने साफ कह दिया बैर हो तुम लोगों को नमाज में सुस्ती करते हो, तो बात समझ में आई साहब नमाज को हल्का तो नहीं कर पाएंगे, फिर क्या करेंगे, ऐसा करते जाके इसके कवानीन और उसूल के अंदर छेड़छाड़ की जाए। अब जाहिर बात है वो नमाज जो हुजूर से बात करेगी वो पाक लिबास के साथ हो, पाक किस्म के साथ हो। हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा बदला, हमने ये कह दिया कि साहब अगर बदन पे खून लगा भी हो तब भी आप नमाज पढ़ सकते हो, कपड़े में खून लगा भी हो तब भी आप नमाज पढ़ सकते हो, ये कहने वाले को पता था नमाज नहीं होगी, मगर उसने हमें नमाज जैसी अजीम इबादत से दूर करने का नया रास्ता निकाला, अकीदे के नाम पर हमें नमाज जैसी बंदगी से दूर करने की कोशिश की। मैं सिर्फ बड़े एहतराम के साथ अपने तमाम सुनने वालों से पूछना चाहूंगा कि अगर नमाज की अजमत नहीं है तो मुझे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वालों में किसी एक का नाम ले आओ करबला के बाद तक चाहने वालों में से किसी एक का नमाज अदा हुई हो, मौला कायनात उन सच्चे पैरोकारों को ले आओ जो नमाज की अहमियत तुम समझी हो, कोई एक नाम मुझे बता दो, जाकर मेरा अपना छोटा सा मुताला है, मैं बड़े यकीन के साथ कहता हूं कि जिस चीज की ताकीद खुदा ने बार बार कुरान में की है कोई भी अहले बैत का चाहने वाला उसे हल्का नहीं समझ सकता, जिस शय का तस्करा शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी फूटी पसलियों के साथ उस दरबार में किया है उसकी अहमियत से कोई चाहने वाला इनकार नहीं कर सकता। मैंने पहले ही कहा था कि इस आलम में जो बातें बयान की जाएंगी वो शरीयत की अहम बातें होंगी, क्योंकि इत्मीनान के आलम में बयान नहीं हो रहा है, दर के आलम में फूटी पसलियों के साथ बयान हो रहा है, अहम अहम नुकात बयान की जाएंगे, खुला हुआ पहला दुश्मन नहीं है, हमें उसी से मुकाबला करना है।
किया, जिसे बयान करने का वो मौका महल क्या था, जबकि वो तो मस्जिद नबवी है और मस्जिद में नमाजी है, मस्जिद है वहां नमाजी है, तो माशाल्लाह बड़े बड़े लोग हैं और इनके साथ भी अगर नमाज की बात की जाए, वो भी नमाज के अलमत समझाई जाए, अगर कौन सा मौका महल था इसकी हकीकत और वाकईत क्या है, शैतानी धरा जाए, जिसने कहा है वो भी कहते हैं सादत है, फिर कितना तारा है वो जाने का मकसद क्या था, पर तालिबिन होने की हैसियत से जहां तक मैं पहुंचना वर्ड कर दू, शायद ये बड़े बड़े जो बैठे थे ना ऊपर से लेकर नीचे तक हर तरफ, जो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा इस्लाम का जिम्मेदार समझ रहे थे, राजनाथ राजमाजी जी के साथ में, इनके सामने भी शहजादे कौन है ये बता करके शायद समझाना चाहिए कि देखो खालिक कायनात ने नमाज जैसी इबादत में गुरूर से पाक करने का एक जरिया करार दिया है, एक असर रखा है, नमाज पढ़ोगे तो मबरूर नहीं बनोगे। यहां तस्करा क्यों, शायद इस तख्त पे बैठे हुए मबरूर इंसान को मुतवज्जे करना मबरूर था, हम जैसे सुनने वालों को भी
متوجہ کرنا مقصود ہوگا. नहीं बात पूछी मेरी आंसर
फीस जमा करके इल्म नहीं हासिल कर सकते। अल्लाह ने आपको इल्म से नवाजा है, इंतजाम कीजिए। तो इल्म जरा बांटना शुरू कर दिए अपने कौम के लोगों में। जब इल्म बढ़ेगा आपका नफ्स पाक होता चला जाएगा, आपके इल्म में ज्यादती होती चली जाएगी। इल्म की रोशनी की बुनियाद पर गुमराही का अंधेरा दूर होता चला जाएगा, हिदायत की रोशनी बढ़ती जाएगी, खुराफात होते खत्म होते चले जाएंगे, हर बातें समझना आसान होता चला जाएगा। और जितना मजा इल्म की रोशनी बढ़ती जाएगी, अहले बैत हर तक उम्मत पैदा होती चली जाएगी। तो रिजवान ने जन्नत को दर्जी बनना पड़ेगा,
खातून की भेजी हुई रूह को वापस लाने के लिए बदल से कहते उसकी रूह को वापस लाना पड़ता है। ये चाहे जन्नत से खाने मंगवाए फरिश्ते लेकर जिब्रील जैसा फरिश्ता घर में नौकरी करता है, नबियों का सरदार जिस दरवाजे से आकर के अस्सलाम अलैकुम नबुव्वत के सवाल इधर की अजमत इधर का लबाब हस्ती की शान पर आप महसूस कर पाए। जब कभी शहजादी आती है तो नबी खड़े हो जाते हैं पूरे मत के साथ अपनी मतलब पर जगह देते हैं पेशानी का बोसा देते हैं। इसे इतनी शफ़क़त और मोहब्बत में रहमतुल्लिलआलमीन ने अपनी रहमतों के साए में फरमा दिया वही बेटी तो है ना जिसके हवाले से रवायत कहती है जब सरकार दो आलम का आखिरी लम्हा था हुजूर का सर बेटी के दानों पर था दरवाजे पर तमाम हुआ दो से तीन मरतबा तकरार हो गई शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। आपने महसूस किया अभी यहां किसी ने तेज आवाज में बात नहीं की है अभी यहां किसी ने तुझ लहजे गुफ्तगू नहीं की है अभी यहां किसी ने दरवाजे में हमला नहीं किया है सिर्फ आने वाले ने दो से तीन मरतबा इजाजत तलब कर ली आंखों में आंसू आ गए आंसू सारे पैगंबर पे गिरे नबी रहमत की आंखें थोड़ी बेटी अली तो मैं बाबा को दरवाजे पर है महसूस कर सके तो महसूस कर ले नबी करीम कहते हैं बेटी ये वो है जो किसी के दरवाजे पे पूछता नहीं है बेटे तुम्हारे दरवाजे का शरफ है कि मलकुल मौत भी घर में आने की इजाजत मांगे अल्लाह जिस बेटी ने अपने सच्चे बाबा से अभी सुना कि मेरे दर की अजमत यह है कि मलकुल मौत दरवाजे पे कुछ लड़की आ गए फरमाने के बाद वो जालिम कहते हैं घर से अली को निकालो वरना घर में आग लगा दे। अच्छा मेरी गली में करे की लाड की बेटी ने अपने बाबा से पूछा हो बाबा अभी तो आपने कहा था कि तुम्हारे दरवाजे पे वाला तो मौत भी गवर पूछे नहीं आता ये बाबा ये कौन लोग हैं जो मेरे दरवाजे पे इस तरह से मुकाबला कर रहे हैं तुम अपने अल्लाह को सुनो करने लगे हो अगर हाँ
मदीने वालों से पूछिए, मदीने